बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 359 केंद्रों पर 39,206 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 18,961 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 18,346 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में 92.4% 18 साल के ऊपर के लोगों को टीकाकरण कराया जा चुका है तथा सेकेंड डोज 57% लग चुका है तथा बूस्टर डोज 5% लोगों को लगाई जा चुकी है तथा 34% 15 साल से लेकर 17 साल के छात्र एवं छात्राओं को टीकाकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ नियमित रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है तथा लोगों से अपील किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण कराएं, क्योंकि कोविड के केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं तथा इस महामारी से बचने का उपाय केवल कोविड टीकाकरण है। उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें तथा कोविड से अपने आप को मुक्त रखें तथा गोरखपुर को सुरक्षित रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, रानी का नंबर है, इसका सर्टिफिकेट दिखाइएगा। लेकिन चढ़ना नहीं है। दूसरा डोज कब लगा था? दूसरा ये मैम, मेरा दूसरा डोज शो नहीं कर रहा इसको। मैम क्या करेंगे, जाते हैं तब 11 बज जाता। देखिए, जनपद में लगभग प्रतिदिन 400 टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण कराया जा रहा है और उसमें हर प्रकार के टीके लगाए जा रहे हैं, जो 15 साल से लेकर के 17 साल तक के बच्चों को लग रहा है, 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लग रहा है कि प्रथम और द्वितीय खुराक लग रही है, और हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल के ऊपर के जो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनको जो है थर्ड डोज, प्रिकॉशन डोज जिसे कहते हैं, वो भी लगाई जा रही है। और अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो जनपद में 92.4% जो है 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण कराया जा चुका है पहली खुराक, दूसरी खुराक जो है 57% लोगों को लग चुकी है और प्रिकॉशन डोज जो है लगभग 8% लोगों को लग चुकी है। इसी प्रकार अगर हम 15 से लेकर के 18 वर्ष की बात करते हैं तो ये 34% किशोरों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं और इसके साथ साथ हम नियमित रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को अनुरोध कर रहे हैं। खास करके आप लोगों के चैनल की अत्यंत महती भूमिका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण कराएं, क्योंकि कोविड जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जनपद में प्रतिदिन 150 से 200 केसेज निकल रहे हैं और इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय केवल कोविड टीकाकरण है, साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन का है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और कोविड का वैक्सीनेशन कराएं, कोविड से स्वयं मुक्त रहें, गोरखपुर को मुक्त रखें।